हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनदर आपकी वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स से है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखना, इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा इज लेस देन एच सी अपॉन फाई नॉट, द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी, अ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाय डेल्टा लैम्डा रिजल्ट्स इन चेंज डेल्टा लैम्डा डी इन डेल्टा लैम्डा, देन द रेशियो डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन वाला जे एडवांस 2017 में आया हुआ है और चार ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि बस लैम्डा डी क्यू अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्वेश्चन आया कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे पूछा गया सबको पहले लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस बात की जा रही है फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल की, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल की, ठीक है। इसका पास वर्क फंक्शन दे रखा है, इसका हमारे पास क्या दे रखा है वर्क फंक्शन, वो है हमारे पास फाइन नॉट, ठीक है। ये पास ये मेटल है, फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है हमारे पास। हमने क्या किया, इसमें एक लैम्डा वेवलेंथ इस पे डाली, लैम्डा वेवलेंथ की एक वेवलेंथ इस पे डाली और यहाँ से हमारे पास क्या है लैम्डा डी वेवलेंथ की एक हमारे पास फोटोइलेक्ट्रॉन की वेव निकली, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने कुछ चेंज कर दिया, अभी तो ये था जब हमने लैम्डा वेवलेंथ इस पे डाली तो लैम्डा डी का हमारे पास क्या फोटोइलेक्ट्रॉन वेवलेंथ निकल दिया, लेकिन अब हमने सेम मटेरियल था यही, इस पे अब हमने क्या कर दिया, हमने जो वेवलेंथ डाली ना वो डेल्टा लैम्डा कर दिया, उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ से फोटोइलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी तो वेवलेंथ होगी वो डेल्टा लैम्डा डी, ठीक है। यह बस क्वेश्चन में बोला गया है डेल्टा लैम्डा डी है ना, ये बस क्या है वेवलेंथ ऑफ फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन है जो कैसे एमिट हो रहे हैं बहुत इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रॉन्स, उनमें से सबसे ज्यादा ये है, तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा लैम्डा डी है क्या, ये है मेरे पास फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ठीक है, फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। अब हमसे पूछा क्या गया है, ये सब बस ये रखा है, हमसे पूछा गया है देन डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, भैया किसके प्रोपोर्शनल होगा वो हमें बता दो, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको बताना चाहिए एक बात, वी नो भैया हमें एक बात पता है क्या भैया, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, भैया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एक बात बताना चाहिए, वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम किससे डिनोट करते हैं के ई से, और ये मेरे पास होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस में वर्क फंक्शन दैट इज फाइन नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है इज इक्वल टू क्या है एनर्जी, हम जनरली कलेक्ट वेव के फॉर्म में एच सी वाई लैम्डा, अगर हमें वेवलेंथ लेनी हो और सी हमारे पास और एच होता है, ठीक है, माइनस में फाइन नॉट दैट इज वर्क फंक्शन, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना जो हमारे पास क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको अगर हमें मोमेंटम के फॉर्म में लिखना होती है स्क्वायर अपॉन टू एम हो जाता है, अगर हमें मोमेंटम के फॉर्म में लिखना हो काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको जरूर से याद कर लेना, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको एक बात और बताना चाहिए, जो मोमेंटम है पी यो बस एम वी के बराबर होता है, ये बस क्या होता है एच अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको बता होना चाहिए कि मोमेंटम बस एम वी के बराबर होता है एच अपॉन लैम्डा के बराबर भी होता है, दोनों रिलेशन आपको बताएं तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर को मैं क्या पी स्क्वायर अपॉन टू एम लिख दिया और इसी क्वेश्चन में यहाँ पर चल रहा है इसको हम एज दे सकते हैं एस सी वाई लैम्डा माइनस फाइव नॉट, ठीक है। अब पी के वैल्यू मेरे पास क्या एम वी हमें पुट नहीं करनी, हमें एच वाई लैम्डा यूज करना है, ठीक है, एच वाई लैम्डा यूज करना उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, तो हम पुट करते हैं एच पी की वैल्यू डालेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इनटू में टू एम आगे हम लिख देते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन हो जाएगा एच सी वाई लैम्डा माइनस में फाइव नॉट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने लैम्डा लिखा है ये लैम्डा डी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके लिए हम क्या लिख रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके लिए हमने लिखा था वेवलेंथ लैम्डा डी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लैम्डा डी लिखा है, ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। और जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं जो एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, ठीक है, अभी तक हम सिंपल लैम्डा डी और लैम्डा बात कर लेते हैं। अब यहाँ तक आपका रिलेशन आ चुका है, हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका रीजन आपको आगे बताऊंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, भैया हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया क्वेश्चन हमसे क्या बोला था स्टार्टिंग में तो ये वेवलेंथ थी, लेकिन हमने दोनों में चेंज किया, जब हमने इंसिडेंट वेवलेंथ में चेंज किया तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी वेवलेंथ भी चेंज हुई डेल्टा लैम्डा से डी से, डेल्टा लैम्डा डी से, तो वो जो चेंज हुआ वो डिफरेंशिएट हम करेंगे तभी हमें चेंज पता चल पाएगा, ठीक है, और तो कोई तरीका है नहीं, तो उसको हम छोटा सा चेंज हुआ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं चेंज को देख सकते हैं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा बस ओवर डी टी, ये बस हो गया एच स्क्वायर अपॉन में टू एम लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी पर डी टी एच सी वाई लैम्डा माइनस में डी ओवर डी टी फाइन नॉट। आपको पता होना चाहिए कि भैया जो ये वर्क फंक्शन होता है किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स वैल्यू होती है, तो ये तो यहीं पर जीरो हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का हम क्या करें डिफरेंशिएट करें तो जीरो हो जाएगा, तो बस दो वैल्यू जीरो रहेगी। अगर मैं इसको देखता हूं तो देखिए एच स्क्वायर टू एम या बस क्या भैया कांस्टेंट इसको बाहर ले लेते तो एच स्क्वायर अपॉन टू एम बाहर हो जाएगा और ये बस क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी और ये हो जाएगा मेरे पास वन अपॉन लैम्डा डी का स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर भी एच सी एम बाहर ले लेंगे एच सी बाहर हो गया डी ओवर डी टी वन अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा में चेंज हो रहा था ना इसलिए लैम्डा को ही देखेंगे सिर्फ, तो यहाँ से पास क्या हो गया ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन में टू एम और यहाँ पर मैं लगाऊंगा चेन रूल तो हो जाएगा बस डी ओवर डी लैम्डा डी हो जाएगा पास वन अपॉन में लैम्डा डी का स्क्वायर इनटू में डी लैम्डा डी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू यहां पर भी ये लगाएंगे चेन रूल जाएगा डी ओवर डी लैम्डा वन अपॉन लैम्डा रहेगा यहां पर इनटू में डी लैम्डा अपॉन में डी टी, ठीक है। चेन रूल आपको नहीं पता तो मैं आपको अभी बता देता हूं, देखिए चेन रूल, देखिए चेन रूल डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास लेट्स से क्या है डी एक्स की पावर
एन है और आपको रेस्पेक्ट में करना है टाइम के, ठीक है। तो आप सीधे तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स और यहाँ पर टाइम है, तो सीधे आप इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर पावर के नीचे जो भी बेस है, इस बेस को आपको लिख लेना है यहाँ पर ऐसे, और नीचे भी आपको इसी के रेस्पेक्ट में इसको कर लेना है। अब जो यहाँ पर आपने लिखा है इसको आप मल्टीप्लाई आपको कर देना है डी एक्स ओवर फिर डी टी। अगर आप देखेंगे तो इसको आप इसको कैंसिल करेंगे तो यही आपको लिस्ट मिलेगा, लेकिन आप कभी वैसे कैंसिल नहीं करेंगे। ये आपको समझाने का तरीका, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, कभी आप कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे करके आप देख सकते कौन सा कट रहा है, फिर आ रहा है वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, वही आ रहा है तो एकदम सही लगा रहा है चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे अगर मैं इसको काटता हूं तो सेम रिलेशन आता है, वाला सही चेन रूल लग रहा है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये तो बस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन टू हमको एज इट इज सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा डी स्क्वायर, लैम्डा डी के हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस के 1 अपॉन डी क्यूब, ठीक है। इनटू में ये बस क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम डेल्टा लैम्डा डी। क्यों भैया डेल्टा मत क्यों लिखा, चेंज ही तो है, तो यहाँ पर डी ओवर डी टी में कर लो तो मैं डेल्टा में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई घबराना नहीं है कि क्या लिख दिया, ये यहाँ पर है। तो डेल्टा लैम्डा डी का मतलब क्या है, टाइम के साथ में थोड़ा सा चेंज कर दिया वैल्यू को, तो ये हमारे पास जो है ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच सी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इनटू में ये भी अब क्या हो जाएगा डेल्टा लैम्डा हो जाएगा। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं आया समझ में ये वाला, इसको मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास लेट्स से कुछ भी डी एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स है अगर आपके पास, तो आपको उसको डिफरेंशिएशन करना है, तो जो पावर होती है उसको आपको आगे लिख देना जो है, और जो यहाँ पर बेस उसको एज इट इज रखना है, तो पावर में से आपको एक माइनस कर देना है, ठीक है। तो मैंने यही किया यहाँ पर, यहाँ पर देखिए अगर मैंने इसको ऊपर लेके गया माइनस टू हो गया था इसकी जो थी, तो एन के लिए माइनस टू थी, माइनस टू को मैंने आगे लिया तो आगे क्या हो गया प्लस टू, यहाँ पर माइनस टू होगा, ठीक है। माइनस टू अपॉन लैम्डा डी क्यू, और यहाँ पर क्या होगा मेरे पास माइनस के 1 अपॉन लैम्डा डी लैम्डा स्क्वायर। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए आप आराम से इसको सॉल्व करने, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये कुछ नहीं, यहाँ पर ये टू है, ठीक है। तो इसको हम फाइनली अब सॉल्व कर लेते हैं, तो लैम्डा डी और लैम्डा रिलेशन लेना था, तो लैम्डा डेल्टा लैम्डा डी अपॉन में डेल्टा लैम्डा को एक साइड कर लेते हैं और सबको एक साइड में कर देते हैं, एच सी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इनटू में एम लैम्डा क्यू डी अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या देखना था, हमें प्रोपोर्शनलिटी देखनी थी किसके किसके में, इसके और इसके लैम्डा के रिलेशन में देखनी थी, इन दोनों को हटा देते फिर, तो हम प्रोपोर्शनलिटी अगर हमसे देखें तो डेल्टा लैम्डा डी अपॉन में डेल्टा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी क्यूब अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई वीडियो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके बाद करना है जल्दी से शुरू करके देना, आप आपके लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं अगली वीडियो में डाउट क्वेश्चन के साथ, टिल देन बाय बाय टाटा।